Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So today I am going to start chapter number 10, exercise 10.1, and we will do from question number 8 onwards. So those students who have not watched question number 1 to 7, or those who have to understand the questions, the previous questions of this exercise, they can watch the video. The description is given in the I link. Please click over there to see the solution of exercise 10.1 from question number 1 to 7. So today we'll start from question number 8 onwards. So without wasting the time, let's start now. So students, this is question number 8 of exercise 10.1. Let's see the question. Find the value of x for which the points x, minus 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. First of all, you have to understand the meaning of the word collinear. The points are said to be collinear if they lie on the same line, on the same straight line. Suppose this is the line, and let us consider this point as A, x comma minus 1. Let us consider this point B as 2 comma 1, and let us consider this point C as 4 comma 5. Now as these points lie on the same line, so that's why these points are called collinear points. Collinear means that lies on the same line. So अभी यहाँ पे collinearity का concept लगाएंगे. 10th class में भी आपने proof करा हुआ कि how these points are collinear, but here we will use the slope concept to show that these points are collinear. Actual में यहाँ collinear दे रखे हैं, हमें show नहीं करना है, तो हम result use करेंगे. So slope के according देखिए, अगर कोई भी point collinear होते हैं तो क्या होता है कि अगर मैं A से B तक जा रही हूँ तो इसका slope अगर ये line का इस तरफ ऐसे है तो slope of BC भी क्या होगा? Equal. That means slope of AB is equal to slope of BC होगा. Definitely points are collinear. So you'll write down the solution. So solution number 8 is A x comma minus 1, B 2 comma 1, and C 4 comma 5 are collinear. If these points are collinear, then slope of AB is equal to slope of BC. देख लीजिए दोनों का slope equal होगा. सेम वे में ऐसी एक ही स्ट्रेट लाइन पर जा रही, तो एक ही लाइन का स्लोप है ना ये. स्लोप ऑफ यहाँ से यहाँ तक दो पॉइंट से लो, तीन पॉइंट से लो या चार पॉइंट से लो, हार्डली मैटर, स्लोप विल नॉट चेंज. तो अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो स्लोप का फॉर्मूला होता है एम, जिसको हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. इसके डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से ही इंट्रोडक्शन पार्ट में दे दिया है. सो दोज हु हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, द डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन जस्ट क्लिक ओवर देयर टू सी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो मूविंग ऑन दिस पॉइंट, ए बी यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा एक्स वन वाई वन है, और इस टाइम पे ये मेरा एक्स टू वाई टू है. तो लगाते हैं फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि वन माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू. अब हमें स्लोप ऑफ बी सी निकालना है, तो बी सी के लिए ये हमारा एक्स वन वाई वन हो जाएगा, और इस टाइम पे ये मेरा एक्स टू वाई टू हो जाएगा. तो फॉर्मूला लगाएंगे वाई टू माइनस वाई वन, दैट मीन्स फाइव माइनस वन अपॉन फोर माइनस टू. क्लियर? बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, फाइव माइनस वन आ जाएगा फोर अपॉन टू, फोर अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू माइनस एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा वन आ जाएगा, ये वन इज इक्वल टू टू माइनस एक्स. एक्स को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टू माइनस वन. तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई? वन. आपको एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी जिसके लिए ये पॉइंट्स क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए. सो आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड, प्लीज़ नोट डाउन. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स माइनस टू माइनस वन फोर जीरो थ्री कॉमा थ्री एंड माइनस थ्री कॉमा टू आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ऑल दिस थिंग्स यू हैव डन इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, हाउ टू प्रूव दैट दीज फोर पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम.
सो यू हैव यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। टेंथ क्लास में आपने कैसे किया था, आपने ए बी बी सी सी डी और डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था बाई यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड यू नो दैट वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल ऑल्सो। सो आप इक्वल प्रूफ को देते थे, बट अभी हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं प्रूफ करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना है। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू प्रूफ। तो पैरेललोग्राम है ये मेरा ए बी सी डी। सो ए पॉइंट है मेरा -2 -1, बी पॉइंट है मेरा 4 0, सी पॉइंट है 3 3 और डी पॉइंट है -3 2। सो ये हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अभी हम यूज़ करेंगे अपना स्लोप फॉर्मूला। यहाँ पूरे चैप्टर में हम डेफिनेटली सारे क्वेश्चन स्लोप की हेल्प से कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर नाइन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि हमें इसके वर्टेक्स प्रूफ करने के पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या कर देंगे प्रूफ कि जो स्लोप ए बी है उसका स्लोप किसके इक्वल है, सी डी के। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में वहाँ पे रिवाइज करवाया है कि वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। दो लाइन्स अगर पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या इक्वल होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से ए बी का स्लोप सी डी के इक्वल प्रूफ कर देंगे और बी सी का स्लोप ए डी के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दी तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। तो यहाँ से सारों के लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है y2 - y, हमारा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। तो 0 - -1 अपॉन 4 - -2, तो 1 upon 4 + 2 कितना आ गया 1/6, ये आ गया m1। अब m2 निकालेंगे स्लोप ऑफ bc। bc के लिए अब ये x1 y1 है, किसी को भी ले सकते हो आप, ये भी x1 y1 ले सकते हो, कोई भी ले लीजिए, और ये x2 y2 है। तो y2 - y1 दैट मीन्स 3 - 0 upon 4 - 3 upon 3 - 4, दैट मीन्स ये आ जाएगा मेरा 3 upon -1, कितना आ गया -3। m3 निकालते हैं स्लोप ऑफ सी डी। सी डी के लिए अब हम ये ले लेते हैं, सी डी है तो ये x1 y1, ये x2 y2, सो y2 - y1 दैट मीन्स 2 - 3 upon -3 - 3, सो आ जाएगा -1 upon -6, यानी कि 1/6। और लास्ट निकाल लेते हैं स्लोप हम अपना ए डी का, या डी ए आएगा सिमेट्रिक वे में। सो ये मेरा इस टाइम पे x1 y1 हो जाएगा और ये मेरा x2 y2। सो ये मेरा है y2 - y1 - 1 - 2 अपॉन -2 - -3। फॉर्मूला हमारा y2 - y1 है ना, तो y2 - y1 दैट मीन्स -1 - 2 upon -2 - -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 upon -2 + 3, कितना आंसर आ जाएगा -3 upon 1, यानी कि -3। तो देख सकते हो जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी स्लोप इक्वल आ रहे हैं। m1 = m3 आ रहा है, दोनों 1/6 है, और m2 = m4 है, दोनों -3 है। तो ये तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से भी ईजी है, बहुत जल्दी स्लो ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो m1 = m3 है, m2 = m4 है। तो यहाँ से लेके दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये हम शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। सो प्लीज नोट डाउन। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। The question number 10 is find the angle between the x-axis and the line joining the points this and this. So, सबसे पहले हम ये point को plot कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका figure बना दिया है। 3, -1 is this point. X की value 3 है, Y की value -1 है। और दूसरा point है X की value 4 और Y की value -2. तो इसके सामने ये रहा point. इन दोनों points को हम join करेंगे तो ये जा रही है हमारी straight line.
और यहाँ पे हमें एंगल निकालना है बिटवीन दी एक्स एक्सिस। सो इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ये निकालना है हमें ये वाला एंगल निकालना है। डेफिनेटली ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल दिख रहा है, 90 से ज़्यादा दिख रहा है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ये एंगल निकाल लो आप, नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या बन रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एक्यूट एंगल है और 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे या फिर आपका डायरेक्टली ही आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि स्लोप ऑफ लाइन निकालने का क्या मेथड होता है, दो पॉइंट्स जब दे रखे हो y2 - y1 / x2 - x1। सो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्लोप ऑफ निकालूँ यहाँ पे इस लाइन का AB, तो फॉर्मूला है y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, y2 क्या है -2 - -1 / 4 - 3। सो -2 - -1 क्या हो जाएगा +1। कितना आंसर आ गया -1। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होती है वो लाइन की क्या होती है, अगर हमें एंगल की फॉर्म में निकालना हो तो ऑलवेज m इज इक्वल टू 10 थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच द लाइन इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या मीनिंग है इसका, जो भी ये लाइन थीटा एंगल बना रही है x की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल ये होता है हमारा थीटा। तो मुझे यहाँ से m इज इक्वल टू 10 थीटा, मान लेते हैं ये लाइन जो है, लेट लाइन AB मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा क्योंकि स्लोप तो 10 थीटा है। लेकिन अभी अभी आपने इसी लाइन की स्लोप निकाली, वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। सो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -1। अब देखिए 10 थीटा की वैल्यू -1 आ गई है, तो आपको खुद पता है कि 10 थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है। इट मीन्स यहाँ पे जो थीटा का आंसर आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे भी सोचिए यहाँ पे हमारा जो ये एंगल है ये एक्यूट नहीं है, ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 से ग्रेटर है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है 10 की वैल्यू 1 किस पे होती है, π/4 पे। अब ये थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होता है तो इसको 10π - θ लिख सकते हो, π - θ, क्योंकि 10π - θ आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास, थर्ड चैप्टर में 11th क्लास में ही, कि आपका कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हो तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले रूल से साइन और कोसिकेंट क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो 10π - θ क्या आ जाएगा, 10 - θ, मीन्स इसको सॉल्व करके यही आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π - π/4, यानी कि LCM लोगे तो 4π - π 3π/4। तो इसका जो एंगल आएगा वो 3π/4 आएगा, ये रेडियंस में आ रहा है। आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिग्रीज में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है, सिंपली इसको 180/π से डिवाइड कर देंगे, या सीधा पाई की वैल्यू 180 डिग्री लिख दीजिए तो भी आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 45 हो गया, 45 × 3 कितना आ गया, 135 डिग्री, यानी कि जो एंगल है ये कितना बना रही है, 135 डिग्री, और ये जो नीचे वाली साइड से 45 डिग्री बना रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से क्या है, डबल है। दैट मीन्स अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप 6 होगा, डबल है उसका। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, सपोज कर लेते हैं इन दोनों के एंगल बीच में क्या बन रहा है, थीटा। तो इन दोनों के बीच में टेंजेंट एंगल मीन्स 10 थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। टेंजेंट दे रखा है ना, दैट मीन्स 10 थीटा कितने दे रखा है, 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो इन दोनों लाइन्स के स्लोप निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि पहली लाइन का स्लोप कितना है m1, और दूसरी लाइन का स्लोप कितना है m2। अब हमें दोनों का रिलेशन दे रखा है कि इसका m1 जो है वो उसका डबल है, दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। तो m1 इज इक्वल टू 2 times of m2 है, ये रिलेशन हम निकाल के रख लेते हैं, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे।
अब क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों एंगल्स के बीच में टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ इसकी डिस्क्रिप्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सो दोज़ हू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल एक्सप्लेन हाउ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय दिस रिलेशन टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो अभी हम इसको यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं अपना सॉल्यूशन। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है और m2 मेरा एज इट इज़ रहेगा। m1 की वैल्यू यहाँ पे 2m2 है, इसको हम पुट कर देते हैं। तो m1 की वैल्यू यहाँ पे 2m2 है इनटू m2। तो अभी मॉड वैल्यू हटेगी, तो मॉड वैल्यू हटने के बाद हमारा आंसर प्लस माइनस में आता है, क्योंकि हमें पता है 1/3 अगर इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी 1/3 और नेगेटिव है तो भी 1/3, क्योंकि मॉड वैल्यू हटती तो प्लस माइनस आता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके m2 माइनस 2 m2 माइनस m2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2 m2 स्क्वायर। अब ये आ चुका है, यहाँ से मॉड वैल्यू हटेगी तो हम प्लस माइनस लगा लेते हैं। तो 1 + 2 m2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। तो या तो यहाँ से माइनस m2 अपॉन 1 + 2 m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, या फिर माइनस एम टू अपॉन 1 + 2 m2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। क्लियर है? अब बस अभी इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3 m2 इज इक्वल टू 1 + 2 m2 स्क्वायर, इसको हम इधर ले आएंगे 2 m2 स्क्वायर प्लस 3 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 2m2 प्लस 1 इंटू m2 प्लस 1। चेक कर सकते हैं 2m2 इंटू m2 आ जाएगा 2m2 स्क्वायर, 2m2 इंटू 1 आ जाएगा 2m2 प्लस m2 3m2 प्लस 1 इंटू 1 1। तो यहाँ से हमारे पास m2 की दो वैल्यूज़ आ जाएगी, या तो m2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज 2m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरा m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m2 की वैल्यू या तो माइनस 1 है या फिर m2 की वैल्यू माइनस 1/2 आ रही है, ठीक है। और दूसरा केस है ऑल्सो, ये केस भी डिस्कस करेंगे, माइनस एम टू अपॉन 1 + 2 m2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3 है। यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 3 m2 इज इक्वल टू 1 + 2 m2 स्क्वायर, यहाँ से 2 m2 स्क्वायर माइनस 3 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से फैक्टर्स बनेंगे 2 m2 माइनस 1 इंटू m2 माइनस 1। चेक करके देख सकते हैं 2 m2 स्क्वायर माइनस 2 m2 माइनस m2 माइनस 3 m2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। सो या तो यहाँ से 2 m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी या तो 1/2 या के फिर क्या आ जाएगा 1। तो क्लियर है? आप चेक करके देख सकते हैं कि अगर m1 यहाँ पे m2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एक एक केस डिस्कस करेंगे, जब m2 की वैल्यू -1/2 है यहाँ पे डालेंगे तो m1 कितना आ जाएगा -1/2, 2 × -1/2 कितना आ जाएगा -1। तो बस ये सिंपल सी बात है, आप एक की वैल्यू डालोगे दूसरा यही आएगा आपकी वैल्यू, चेक कर सकते हैं। दूसरा भी अगर m2 की वैल्यू 1/2 डालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टू लाइंस आर, या तो वो दोनों स्लोप्स क्या होंगे -1 and -1/2, और या फिर दूसरा केस क्या है 1/2 and 1। तो इन दोनों केसेस के लिए हमारा आंसर यही आएगा। तो इस तरह से हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज अ लाइन पासिस थ्रू
x1, y1 and h, k, if the slope of line is m, then show that k minus y1 is equal to m into h minus x1. तो देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे. सपोज कर लेंगे ये a पॉइंट है और ये मेरा b पॉइंट है. लेट a पॉइंट इज x1, y1 एंड b पॉइंट इज h, k. तो जब भी आपको दो पॉइंट्स दे रखे हो, स्लोप के बारे में दे रखा हो, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले तो आप स्लोप निकाल दीजिए. स्लोप का फॉर्मूला, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है. तो अभी हम बार बार यूज़ कर चुके हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये क्वेश्चन तो और समझ आ ही गया है. लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे स्लोप किसके इक्वल दे रखा है, एम के इक्वल दे रखा है. तो मैंने स्लोप ऑफ लाइन ए बी के एम के इक्वल पुट कर दिए. नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, एम इंटू एच माइनस एक्स वन इज इक्वल टू के माइनस वाई वन. तो हेयर यू हैव प्रूव्ड के माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एच माइनस एक्स वन. तो देख लीजिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज़ नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इफ थ्री पॉइंट्स एच जीरो ए बी एंड जीरो कॉमा के लाई ऑन ए लाइन, देन शो दैट दिस रिलेशन ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू वन. अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो अभी अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर. तो मैंने डायग्राम बना रखा है और इस कॉन्सेप्ट से हम क्या यूज़ करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. तो यहाँ पे बस हम लिख लेंगे इसका सॉल्यूशन कि ए पॉइंट क्या है एच कॉमा जीरो, बी पॉइंट क्या है ए कॉमा बी और सी पॉइंट क्या है जीरो कॉमा के. लाई कर रहे हैं अगर एक ही लाइन के ऊपर, तो क्या रिलेशन होगा, ऐसे स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल. ये आप लोग कर चुके हैं क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे. बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे. तो वाई टू माइनस वाई वन यानी कि बी माइनस जीरो अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन जीरो माइनस ए. क्योंकि आप यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लिख सकते हैं कि स्लोप किसके इक्वल होता है, एम वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो रिलेशन हम बार बार यूज़ कर रहे हैं. बस अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, बी अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन माइनस ए. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए बी इज इक्वल टू के माइनस बी इंटू ए माइनस एच. अगर हम कंपेयर करें यहाँ से इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हमारी राइट साइड पे वन है. वन लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को ए बी से, माइनस ए बी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि माइनस ए बी अपॉन माइनस ए बी क्या हो जाएगा, वन. तो डिवाइड बाय माइनस ए बी ऑन बोथ साइड्स. तो माइनस ए बी अपॉन माइनस ए बी इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन ए माइनस एच अपॉन माइनस ए बी. ये आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू. अभी यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, k इंटू ए क्या आ जाएगा, के ए. k इंटू एच कितना आ जाएगा, माइनस के एच. माइनस बी इंटू ए कितना आ जाएगा, माइनस बी ए. और माइनस बी इंटू माइनस एच कितना आ जाएगा, प्लस बी एच अपॉन माइनस ए बी. तो यहाँ से देखते हैं, इसको के ए अपॉन, अब बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए, के ए अपॉन माइनस ए बी माइनस के एच अपॉन माइनस ए बी. और ये आ जाएगा माइनस ए बी अपॉन माइनस ए बी प्लस बी एच अपॉन माइनस ए बी. तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है. अब यहाँ पे देखेंगे जो कैंसिल हो सकता है, आप उसको कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के अपॉन बी. यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव. यहाँ पे के एच अपॉन ए बी आ जाएगा, के एच अपॉन ए बी. और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल. ए बी अपॉन ए बी क्या आ जाएगा, वन. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी एच अपॉन ए बी. ये आ चुका है हमारे पास. वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसल. यहाँ से ये बी और बी भी कैंसिल हो रहे थे हमारे पास, तो ये एच अपॉन ए आ गया था. अभी देखिए उस रिलेशन से अगर हम थोड़ा सा चेक करें, तो इन दोनों, ये दोनों टर्म नेगेटिव है, इसके उधर ले जाओ तो माइनस एच अपॉन ए, यहाँ पे जाके प्लस एच अपॉन ए आ जाएगा. और यहाँ पे के अपॉन बी बन जाएगा इज इक्वल टू के एच अपॉन ए बी.
ये आ चुका है। दोनों साइड हम एलसीएम ले लेते हैं, तो बी एच प्लस ए के अपॉन ए बी इज इक्वल टू के एच अपॉन ए बी, ये आ चुका है। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल। अभी भी फाइनली उस साइड पे नहीं आया है, मुझे ए के नीचे क्या चाहिए, एच चाहिए, तो मैं यहाँ पे और यहाँ वन चाहिए। तो अभी फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जब हमें वन बनाना है तो दोनों साइड से किससे डिवाइड कर देंगे, के एच से, डिवाइड बाय के एच, और ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। ए के अपॉन के एच, इसको मैंने जान के आगे लिख दिया है क्योंकि ए उस इक्वेशन में मेरा पहले आगे है, प्लस बी एच अपॉन के एच इज इक्वल टू के एच अपॉन के एच, क्लियर। ये कैंसिल हो गया वन, यहाँ पे के से के कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू वन, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड एयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। सो सबसे पहले हम ग्राफ की तरफ देख लेते हैं। दिस इज द ग्राफ गिवन इन द क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी गिवन है। जिस सी ऑन दिस एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आपको ईयर गिवन है, एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड हेयर पॉपुलेशन इज गिवन। तो यहाँ पे ये लाइन दे रखी है जिसमें दे रखा है 1985 पे पॉपुलेशन कितनी है, 92 लाख जो भी है यहाँ पे, और 1995 के अकॉर्डिंग ये 97 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना है। तो हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, और अभी हमने डिस्कस किया था कि स्लोप ऑफ लाइन, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो यहाँ पे ए पॉइंट क्या है हमारा, पहले लिख लेते हैं 1985, 92, एंड पॉइंट बी इज 1995, 97। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो सारे हम इसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये मेरा y2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। सो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्लियर। बस यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना था, 97 - 92 इज गोइंग टू बी 5 एंड दिस इज इक्वल टू 10, सो स्लोप इज इक्वल टू 1/2। तो पहला तो हमारा ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट हमें इसमें कुछ और भी दे रखा है फाइंड आउट करने के लिए। सो फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010 ऑल्सो। ऑल्दो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू इसके सामने 2010 आ रही है, तो डेफिनेटली इसके सामने जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी द पॉपुलेशन। ईयर 2010 है उसके सामने, उसकी पॉपुलेशन आ जाएगी फ्रॉम द ग्राफ। बट विदाउट यूजिंग द ग्राफ हाउ टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। अब ऑफ कोर्स ये 2010 हमारा एक्स एक्सिस पे दे रखा है। अगर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज ये सी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करती है, तो सी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 2010, और उसके सामने मुझे वाई की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने वाई की वैल्यू क्या सपोज कर ली, वाई। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 2010, y। आपको समझ आ गया कि क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस पे 2010 ईयर के लिए निकालना है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब अभी हमने इस तरह का एक और क्वेश्चन किया है जहाँ पे हमने थ्री पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी के बारे में बात की है। सो व्हाट डू वी मीन बाय द कॉलिनियर पॉइंट्स। सो थ्री पॉइंट्स आर सेट टू बी कॉलिनियर इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो हेयर यू कैन ऑल्सो सी दैट ए बी एंड सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों तीनों हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आप चाहे इन दोनों पॉइंट से स्लोप फाइंड आउट करो, चाहे इन दोनों पॉइंट से स्लोप फाइंड आउट करो, इस लाइन का स्लोप तो सेम होने वाला है क्योंकि लाइन ही सिंगल है, तो इसका स्लोप भी सेम ही आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगा यहाँ से। तो इसको एम वन मान लेते हैं यहाँ से, और एम टू हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ
BC, सो BC के लिए भी हम स्लोप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 - y1, सो y - 97 अपॉन 2010 - 1995 बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1. इसके डिस्क्रिप्शन मैंने काफ़ी इधर दे दिया है वीडियो में, तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी y - 97 अपॉन 2000 - 1995 इज गोइंग टू बी 15. बट हमारा यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ BC, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ABC पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, ये हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है, तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल सेम हो जाएंगे. अब यहाँ पे क्या करना है, आपने बस m1 की वैल्यू 1/2 पुट कर देनी है और m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देनी है, y - 97 अपॉन 15. तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू गेट द वैल्यू ऑफ y हियर. सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 × 1 इज गोइंग टू बी 15 एंड 2 × y इज गोइंग टू बी 2y एंड 2 × 97 इज गोइंग टू बी 194. सो मान 194 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बिकम +194. सो ये हमारे पास बन जाएगा 2y. 194 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 504902. तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 209/2. तो ये कितना आ गया, 104.5. क्लियर, कितना आ गया, 104.5. तो यही हमारा आंसर है, 104.5. इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2010 में. प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन हमने आपने आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा. इसमें बस इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जो हमें पॉपुलेशन है वो करोड्स में दे रखी है, इन करोड्स. सो दिस इज़ योर राइट आंसर, पॉपुलेशन इज 104.5 करोड़ इन द ईयर 2010. सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much for supporting our channel and thank you so much for commenting on my videos. If you like my video, please do comment, like and share with your friends. Thank you so much for watching Alisha Maths Classes.